हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलेक्टर बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, कलेक्टर बनने के लिए हर एक ट्वेल्थ पास स्टूडेंट कलेक्टर बनने के लिए ट्वेल्थ क्लास पास करते ही कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सेल्फ स्टडी कहते हैं। दोस्तों, बस उनको एक्चुअल चीज़ पता नहीं रहती कि हमें पढ़ना क्या है, वो सीधे जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी को पढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने पेपर होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम, आईएएस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें तीन फेज होते हैं। पहला फेज जिसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जो कि 400 मार्क्स का होता है। दूसरा मेन एग्ज़ाम होता है, जिसमें 1750 मार्क्स का होता है। इसके अलावा तीसरा जो लास्ट फेज है, वो है इंटरव्यू, जो 275 मार्क्स का होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, जो यूपीएससी प्री एग्ज़ाम सिलेबस होता है, उसमें दो पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडी, जिसमें 200 मार्क्स का होता है, और इसकी टाइमिंग है, ड्यूरेशन है 200 आवर, जो कि 9:30 से 11:30 बजे तक चलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहता है, यानी कि 200 मार्क्स टोटल क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप इसमें याद रखना कि इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग्स है, यानी कि आप यदि एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको 0.66 निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें दूसरा पेपर है सी स्टैट, जिसे हम सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग्स है, यानी आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.833 निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। दोस्तों, ये तो हो गया प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। अब मैं आपको बताऊँगा कि जनरल स्टडी में आता क्या क्या है। दोस्तों, जनरल स्टडी में सबसे पहले है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, भारत में क्या चल रहा है और इंटरनेशनली क्या चल रहा है। जैसे अभी इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ये आ सकता है। इसमें दूसरी चीज़ है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो आता है। इसके अलावा इसमें इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी, फिजिकल और सोशल साइंस और इकोनॉमी आती है। इसके अलावा इसमें तीसरी चीज़ है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशू, ये जनरल स्टडी में इंक्लूड हैं। इसके अलावा इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी यानी गरीबी से संबंधित क्वेश्चन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव। इसके अलावा जो इसमें दोस्तों जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में दोस्तों जनरल साइंस पे भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। दोस्तों, ये जनरल स्टडी का क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊँगा कि सी स्टेट में क्या आते हैं। तो दोस्तों, सी स्टेट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आरसीजी हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, वो आता है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन भी आते हैं। और इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट, ग्राफ्स, टेबल और डाटा सफिशिएंसी जैसे क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं। दोस्तों, ये हो गया यूपीएससी प्री एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, वो हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा यूपीएससी में एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। दोस्तों, यूपीएससी में एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 7 पेपर होते हैं, उनका पहले मैं आप बता देता हूँ, उसके बाद 2 पेपर जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, जो यूपीएससी मेन का पहला पेपर होता है, वो एसे होता है, जो कि किसी भी भाषा में, मीडियम में हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है जनरल स्टडी GS1, जिसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आता है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी आता है। और GS2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ करेंट में जो रिलेशंस चल रहे हैं, जैसे इंडिया नेपाल रिलेशन आ सकता है, इंडिया चाइना रिलेशन आ सकता है, यानी जो करेंट में चल रहे होते हैं ऑलमोस्ट उसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद GS3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। और GS4 में दोस्तों इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट होती हैं। दोस्तों, यूपीएससी ने ऑप्शनल में 48 सब्जेक्ट को दिया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होती है, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दोस्तों, ये जो पूरे पेपर हैं टोटल 250 मार्क्स के होते हैं, यानी कि पूरा मिला दिया जाए सातों पेपर को तो टोटल 1750 मार्क्स होता है। इसके अलावा दोस्तों 2 पेपर और होते हैं यूपीएससी मेंस में, जो होता है 300+300 मार्क्स का, यानी सो टोटल 600 मार्क्स का, और ये केवल दोस्तों क्वालिफाइंग होते हैं। इनका सिलेबस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इनका सिलेबस ये है कि इनमें एक एसे आता है जो 100 मार्क्स का होता है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन RC आता है, जो 60 मार्क्स का होता है, और प्रिसाइज राइटिंग आते हैं, जो 60 मार्क्स का होता है। इसके अलावा ट्रांसलेशन आता है, जो कि इंग्लिश से हिंदी में 20 मार्क्स का होता है। इसके अलावा आपने जो सब्जेक्ट चूज किया हो उससे इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ग्रामेटिकल पार्ट और बेसिक लैंग्वेज यूज भी आता है, जो कि 40 मार्क्स का होता है।
दोस्तों ये हो गया यूपीएससी मेंस में टोटल 9 क्वेश्चन 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर होते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं, टोटल 1750 मार्क्स के होते हैं, और जो 2 पेपर होते हैं वो 300 प्लस 300 मार्क्स के होते हैं, और ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। दोस्तों लास्ट में जो आता है वो इंटरव्यू आता है। दोस्तों इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू में सबसे पहले आपको दोस्तों ये चेक किया जाता है कि मेंटल अलर्टनेस चेक किया जाता है। इसके बाद आपका क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, आप चीज़ों को कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, कितना अपने अंदर घुसा पा रहे हो, कितना चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे हो। इसके अलावा क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, आपका लॉजिक क्या है, कैसे आप चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हो। सेकंड है बैलेंस ऑफ जजमेंट, आप किसी चीज़ को कैसे जजमेंट कर रहे हो, आप तुरंत निर्णय ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे, इंटरव्यू में चेक किया जाता है। वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि आपके क्वेश्चन आंसर देने से पहले वो समझ जाएंगे। इसके अलावा वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, आप किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, उसको कैसे विजुलाइज करते हैं। और दोस्तों लास्ट में एबिलिटी फॉर सोशल कोहेशन लीडरशिप, आपका लीडरशिप कैसा है। और दोस्तों लास्ट में इंटेलेक्चुअल मॉरल इंटीग्रिटी, आपकी ईमानदारी को भी वो क्वेश्चन के थ्रू चेक कर लेते हैं। दोस्तों एक बात आप याद रखना कि 17 प्लस जो इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है वो टोटल मिला के 2025 मार्क्स हो गए, यानी कि ये 2025 मार्क्स मिला के आपकी टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी। यदि इसमें आप 50% मार्क्स भी आप ऑब्टेन कर लेते हो तो आपकी रैंक लग जाती है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट फुल सिलेबस ऑफ यूपीएससी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आती रहे। तब तक के लिए वी से बी अलर्ट एंड कवर योर फेस विथ क्लॉथ्स, वॉश योर हैंड विथ रिस्पेक्टिव टाइम एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। जय हिंद, धन्यवाद।